के किसी प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। मैं काजल चटर्जी, आज आप लोग को हम दिखाएंगे कानपुर का डीएवी कॉलेज। चलिए तो चलते हैं। यह है डीएवी कॉलेज। यहाँ हर विभाग के पढ़ाई किया जाता है। दूर दूर से बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब विभाग के पढ़ाई होता है। इस कॉलेज में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी गुणी आदमी पढ़ाई किए हैं। सारा भारतवर्ष से यहाँ सब पढ़ने आते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माँ सरस्वती जी, यहाँ हनुमान जी, ये एक ठो नया बिल्डिंग बना है। दिन प्रतिदिन छात्र छात्री यहाँ बहुत बढ़ती जा रहा है। जो लोग यहाँ आना चाहता है डायरेक्ट इस कॉलेज में संपर्क करें। यहाँ देखिए हर विभाग के अलग अलग घर है पढ़ाई के लिए। यहाँ अकाउंट सेक्शन है, यहाँ एमए का, ये एमए फाइनल का, ये एमएससी का, ये संस्कृत विभाग है। संस्कृत के हर चीज यहाँ सिखाई जाता है। फिजिकल एजुकेशन का, ये एक ठो नया बिल्डिंग बना है। ये कॉलेज बहुत ही पुराना है। बड़ा बड़ा लीडर, बड़ा बड़ा साहित्यिक, बड़ा बड़ा कलेक्टर सब यहाँ से निकला है। यह जूलॉजी विभाग है। देखकर मालूम होता है बहुत ही पुराना कॉलेज है, आप लोग जानते भी होंगे। हर घर बहुत ही बड़ा है ताकि जो सीखने आता है। हम लोग डीएवी कॉलेज में यहाँ खड़े हैं और हमारे यहाँ जो बच्चे के पढ़े हैं बिहार के, झारखंड और ये
तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के बच्चे अपने यहाँ पढ़े हैं, और ये क्या कहते हैं अपने यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, रामनाथ कोविंद जी, जो बड़े बड़े नेता लीडर हैं, ऐसे नेता हमारे यहाँ से पढ़ाई करके निकले हुए हैं। थैंक यू। यहाँ बच्ची लोग को पढ़ाई करने का भी बहुत बंदोबस्त अच्छा है। ये कॉलेज का सामने एक ठो गर्ल्स हॉस्टल भी है, और ई कॉलेज के पीछे तरफ एक ठो गर्ल्स हॉस्टल है। वो हॉस्टल का नाम है MG गर्ल्स हॉस्टल। बच्चा लोग का भी हॉस्टल यहाँ उपलब्ध है। देखिए बहुत घर है पढ़ाई के लिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। यह है चित्रकला विभाग। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कानपुर सारा एशिया में पढ़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ हर चीज उपलब्ध है। नमस्ते।